खेडूत मित्रों, आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल फार्म केयर एग्रो इंडस्ट्री में। मैं हूं परमार कौशिक। आपको आज मैं यहां इसके साथ जो सीट आती है, तो सीट आपको कैसे अटैच किया जाता है वो आज आपको समझाने वाला हूं। ये जो आपको जब सीट मिलेगी, तब ऐसे सीट आपको मिलेगी, इसके साथ ये पूरा फ्रेम आएगा और उसके साथ ये पूरे आपको गद्दी मिलेगी। ये गद्दी आप इसके ऊपर लगा के, पहले क्या करना है, गद्दी को इसके ऊपर लगा देना है। ये जो सीट है इसके ऊपर ऐसे यहाँ पे बिठेगी और इसके ऊपर आप गद्दी पहले लगा देना है। तो पहले हम गद्दी लगा के इसके ऊपर हम बिठाएंगे, हम आपको पूरा डिटेल में अभी हम समझाते हैं। इसको हम अटैच करते हैं अभी। गद्दी आएगी, ये गद्दी इसके ऊपर लगा के यहाँ पे भी एक सेटिंग दिया गया है, जो ये स्प्रिंग के पीछे एक नट दिया गया है। समझ लो ये ज़्यादा मूवमेंट कर रही है स्प्रिंग, आपके उसके ऊपर बैठ रहे हो और उसके बाद स्प्रिंग वर्क नहीं कर रही है, तो ये जो नट दिया गया है इसको आप टाइट करके उसका टेंशन बढ़ा सकते हैं। यदि आपका वेट ज़्यादा है तो इसको स्प्रिंग को पूरा टाइट करके उसको लगा देना है। अगर आपका वेट कम है तो ये स्प्रिंग को आपको लूज करके रखना है। जितना आपका वेट के हिसाब से स्प्रिंग आपको टाइट करना है, यदि इसका मूवमेंट हो सके। ये सीट है, इसके ऊपर रख के यहाँ पे ऐसे रख के ये जो सपोर्ट दिया गया है इसको नीचे रखना है, ये सपोर्ट ऐसे, ताकि आपका सीट जो है वो मूवमेंट ना हो सके पीछे। यहाँ पे से वो स्लिप जो होता है, इसकी वजह से आपका जो सीट है वो स्लिप नहीं होगा पीछे। ये सीट जो है अभी हमने पूरा ये अटैच कर दिया है और ये सीट लगा के आप आराम से ये चला सकते हैं। पावर टिलर अगर आपको खेत में उसके ऊपर खड़े होके भी चलाना है तो भी आप चला सकते हैं। यदि ये सीट लगा के चलाना है तो सीट के ऊपर बैठ के आप आराम से भी ये पावर टिलर चला सकते हैं उसको। तो अभी ये हमने पूरा वीडियो में आपको सीट कैसे अटैच करते हैं वो पूरा आपको डिटेल में वो भी समझा दिया है। अब एक और दूसरी बात की, ये फार्म केयर एग्रो इंडस्ट्री हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जैसे आपको नया वीडियो जैसे ही आएगा आपको अपडेट देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।